the latest updates, please subscribe. कुछ समय पहले ही प्रियंका चोपड़ा ने अपनी मां डॉक्टर मधु चोपड़ा के साथ पर्पल पेबल प्रोडक्शंस का निर्माण किया था, जिसके बाद उन्होंने 5 क्षेत्रीय फिल्मों का निर्माण करने की योजना बनानी शुरू की। प्रियंका के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी पहली भोजपुरी फिल्म थी, जिसका नाम था बम बम बोल रहा है काशी, जिसके मुख्य किरदार सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और हॉट एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका और उनकी मां ने सबसे पहले भोजपुरी फिल्म बनाने का ही फैसला क्यों किया? चलिए सस्पेंस को खत्म करते हुए आपको बता ही देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक जब डॉक्टर मधु चोपड़ा से ये सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि बिहार प्रियंका के लिए खास जगह है, इसी वजह से सबसे पहले भोजपुरी फिल्म का प्रस्ताव आगे रखा गया था। मधु चोपड़ा ने बताया कि प्रियंका जमशेदपुर में पैदा हुई थी और पहली स्कूली शिक्षा उन्होंने बिहार से ही पूरी की थी। उसके बाद प्रियंका मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद सबसे पहले बिहार में ही दौरा करने आई थी एवं प्रियंका भोजपुरी भाषा से काफी अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।